बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोरगुल। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है। आज धुआंधार प्रचार आप देख पाएंगे, क्योंकि तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में अब अपनी आखिरी कोशिश करेंगे। दूसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है, बिहार और असम की 5-5 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम से सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे भी एक साथ 4 जून को ही घोषित होंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरे दौर के लिए आज धुआंधार प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा, इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है, कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होगा, असम की 5 सीटों पर मतदान होगा, इसके अलावा राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर के लिए केरल की सभी 20 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश की 6, बिहार और असम की 5-5 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे फेज के लिए पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लाउडस्पीकर और जुलूस पर पाबंदी होगी। 1206 प्रत्याशी दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 26 अप्रैल को जनता ईवीएम में कैद करेगी। दूसरे चरण के लिए तमाम सियासी पार्टियां आज जनता के बीच पहुंच रही हैं। स्टार प्रचारकों की फौज जनता से वादे कर रही है, अपनी किस्मत एक बार फिर आजमाई जा रही है, क्योंकि आज आखिरी दौर है दूसरे चरण के लिए। शाम 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर पाएंगे। बिहार, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान में दूसरे फेज को लेकर इलेक्शन होगा। 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए मतदान होगा। सीधा आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। अरे आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी देश की ऐसी है जिसका जेल मंत्री भी जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, और अब कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। उन्होंने अपने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा 2 महीने के अंदर ले लिया, जब उसका घोटाले में नाम आया। अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया, अपने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, मैं पूछना चाहता हूं। जो कल तक कहते थे इस कुर्सी में ही खोट है, हर कोई भ्रष्ट हो जाता है, तो अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि उन्होंने ज्यादा समय भ्रष्ट होने के लिए नहीं लगाया है। जी देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की। तो दूसरे चरण को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज आखिरी दौर का बिगुल बज रहा है। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी 3 सीटों पर चुनाव होना है, किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और आज कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं? एकदम, देखिए पश्चिम बंगाल का 3 जगह यानी दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट, ये तीनों जगह में
26 तारीख को चुनाव होने वाला है और उसके पहले आज दिन भर ये तीनों कंस्टिट्यूंसी का जो छह हाई वोल्टेज कैंडिडेट यानी बीजेपी और टीएमसी का हाई वोल्टेज कैंडिडेट छह कैंडिडेट ही आज प्रचार में है। और बालूरघाट, जिस बालूरघाट को लेकर पूरा बंगाल का नजर है, क्योंकि बालूरघाट में बंगाल बीजेपी का प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार एक तरफ है बीजेपी का उम्मीदवार, दूसरी तरफ टीएमसी का उम्मीदवार है टीएमसी के मिनिस्टर विप्लव मित्र, और दोनों ये जगह में दोनों की तरफ से ही आज रैली किया जाएगा, पब्लिक मीटिंग किया जाएगा। दोपहर 3 बजे तक इन दोनों का पब्लिक मीटिंग और पब्लिक रैली आज बालूरघाट में है। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए दार्जिलिंग में राजू बिस्ता को सपोर्ट करते हुए जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दो लीडर वो राजू बिस्ता यानी बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, और इसी वजह से दार्जिलिंग का सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि एक तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सपोर्ट और दूसरी तरफ टीएमसी का हाई वोल्टेज कैंडिडेट दार्जिलिंग में राजू बिस्ता के अगेंस्ट में कम्पीट करेगा। और उसी जगह में भी आज हाई वोल्टेज जो पब्लिक रैली वो पब्लिक रैली होने वाला है बीजेपी और टीएमसी दोनों का। और उसके साथ साथ ही रायगंज लोकसभा इलेक्शन भी है 26 तारीख को, रायगंज का टीएमसी का उम्मीदवार जो है वो पहले बीजेपी में था, बीजेपी से वो छोड़कर टीएमसी में आए, यानी इसको लेकर ही चर्चा है कि रायगंज किसके दखल में रहेगा, बीजेपी का या टीएमसी का, और इसी वजह से ये तीन जगह के ऊपर पूरा नजर है। मगर इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है वोटर्स टर्नआउट, क्योंकि पहले भी दिखा गया था पहले चरण में जो तीन जगह में इलेक्शन हुआ था उस जगह में टोटल कुल मिला के 80% के आसपास ये वोटर्स टर्नआउट हुआ था, जो कि 2019 से बहुत कम। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन का नजर है कि ये तीनों जगह में ये सेकेंड फेज में जो इलेक्शन होने वाला है उसी जगह में वोटर्स का जो बाहर आके वोट देना ये ज्यादा से ज्यादा हो, जो 2019 में था वो उस तरीके से हो, ऐसा नजर है इलेक्शन कमीशन का। और उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी नजर है कि ये तीनों जगह में जल्द से जल्द करीब से करीब सुरक्षा बल दिया जाए यानी सेंट्रल फोर्स नियुक्त किया जाए बालूरघाट में। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज के लिए भी जो मतदाता है उन्हें जागरूक किया जा रहा है ताकि उनका उत्साह बढ़े, इसके साथ ही वोटर्स को लुभाने के लिए भी आज पूरी कोशिश की जाएगी। शाम 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। शक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से लाइव। शक्ति, क्योंकि बिहार में भी 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, मुख्य मुकाबला किसके बीच नजर आता है, और साथ ही ये भी बताइए कि कितनी टफ फाइट है, किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है और आज क्या हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर के बाद जो है सेकेंड फेज को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा और 5 सीटों पे बिहार में जो है इस सेकेंड फेज में जो है परसों वोटिंग है, और वोटिंग में सबसे अहम हॉट सीट जो बात अगर हम करें तो पूर्णिया जो लोकसभा सीट है वो काफ़ी हॉट हो गया है, क्योंकि यहाँ से इंडिया गठबंधन और NDA दोनों में मुकाबला तो है ही, लेकिन पप्पू यादव के आने के बाद जो है ट्राइंगल जो है ये मुकाबला हो गया है। और सबसे अहम ये है कि पप्पू यादव जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को जात को जो है कांग्रेस से विलय करवाया और उसके बाद वो ये उम्मीद में थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है पूर्णिया सीट जो है उनको मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वह उसमें सीट शेयरिंग में जो है कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली और RJD के खाते में ये सीट चली गई। और ये RJD की तरफ से जो है यहाँ से बीमा भारती जो JDU की विधायक भी थी वो बीजेपी में शामिल हो गई है और RJD के टिकट से जो है बीमा भारती चुनाव लड़ रही है। तो पूर्णिया सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल में पप्पू यादव के आने के बाद जो है ये सीट जो है काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और उसके बाद बात करें हम किशनगंज की, तो किशनगंज भी काफ़ी अहम सीट है लोकसभा, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो है तकरीबन 68% जो है 68% के करीब है, और पिछले बार जो है बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से जो एक सीट जो कांग्रेस ने जीती थी वो किशनगंज ही सीट थी जहां से बीजेपी को हार मिली थी और कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। तो इस लिहाज से जो है जो किशनगंज का सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता कि जो 5 सीटों पर परसों चुनाव होने वाले हैं 26 वो सीमांचल का एरिया है और मुस्लिम आबादी जो है यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, और ऐसे में ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है 5 सीट ये चरण। और OBC की पार्टी, आपको बताएं कि OBC भी की पार्टी किशनगंज से चुनाव लड़ रही है और लगातार जो बड़े चेहरे हैं, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, या JP नड्डा भी अब आ रहे हैं सीमांचल में, आज उनका दौरा है, तमाम बड़े नेताओं जो बीजेपी के हैं उनका यहाँ पर दौरा हो चुका है, कांग्रेस के राहुल गांधी भागलपुर आ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का सबकी जनसभा हुई है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार इस क्षेत्र में जो है कैंपेन किए हुए हैं। तो काफ़ी जो 5 सीट है पूर्णिया, किशनगंज, बांका,
भागलपुर और कटिहार काफी अहम है, क्योंकि ये 5 सीटों पे सीमांचल का जो क्षेत्र है मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इन सीटों पे जो है 5 में से 4 सीटें जो है लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। ये बताइए कि 3 रैलियां वो यहाँ पर करने वाले हैं, जेपी नड्डा के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आज, क्योंकि सैम पित्रोदा को लेकर, कांग्रेस को घेरने को लेकर, उनके मैनिफेस्टो पर तमाम नेता आज बीजेपी के सवाल उठा रहे हैं। किस तरह का सियासी माहौल आपको नजर आ रहा है उस बयान के बाद, कांग्रेस के लिए किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा जो है इस चुनाव जब इसे घोषणा हुई चुनाव की उसके बाद पहली बार जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं और सीमांचल की जो वो सीटें जहाँ पे बीजेपी को जो है 4 में 5 में से 1 सीट बीजेपी ने यहाँ पिछले बार लूज़ किया था, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है सैम पित्रा उनके बातों को तो वो जवाब देंगे ही, साथ साथ जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक है उनको और जो एनडीए के वोट बैंक है, चाहे बात करें हम जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी की, तमाम वोट बैंक को साधने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही साथ जो ओबीसी की पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है सीमांचल में किशनगंज में, उसको लेकर भी क्या कुछ होगा बीजेपी की रणनीति, इसको लेकर भी अपने नेताओं से चर्चा करेंगे और तमाम चीज़ें, खास करके सीमांचल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ सीमांचल का ये 5 सीट बल्कि आने वाले जो चरण में होंगे उस पर भी जो है काफ़ी निगाहें टिकी होगी बीजेपी की और एनडीए के तमाम नेताओं की, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब पूर्णिया सीट को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि पप्पू यादव को लेकर जी कि उन्होंने सभा में कहा था या तो आप एनडीए को वोट कर दें या फिर इंडिया गठबंधन को वोट दें, इन्हीं दोनों में से किसी एक को वोट दें, पप्पू यादव को कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने वोट ना करने की अपील की थी पूर्णिया की जनता से, तो काफी अहम जो है ये चुनाव, इस फेज का जो चुनाव है बिहार में बयानबाजी खूब की जा रही है, मंच से बयान दिए जा रहे हैं। नोएडा से महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में भी इस बार दूसरे फेज में इलेक्शन होना है, वोटिंग होगी, महेंद्र किस तरह की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिस तरीके से डॉक्टर महेश शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका विरोध चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और लगातार हम ये देख रहे हैं किस तरीके से जितने भी तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे हम रक्षा मंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बार बार यही कह रहे हैं कि जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है वो सीधा की सीधा मोदी सरकार का चुनाव, यानी कि आप सांसद को मत देखिए, आप मोदी जी को देखिए, आपका जो वोट है वो सांसद को नहीं जाएगा, वो मोदी जी को जाएगा। वैसे ही हमने देखा किस तरीके से जो विपक्षी दल है, चाहे हम मायावती की बात करें या गठबंधन सरकार की बात करें, गठबंधन में जब जो अखिलेश यादव हैं वो भी जब दनकौर और दादरी क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा था कि देखिए इस चुनाव को आप फैसला करना है कि जो डॉक्टर साहब है वो आपके बीच कितने रहे थे और कितना आपकी मदद करते हैं, तो यहाँ जो गठबंधन की जो प्रत्याशी है जो डॉक्टर महेंद्र नागर है जी, वो बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें क्योंकि जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है ये दो हिस्सों में बटा है, पहला शहरी और दूसरा ग्रामीण, और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर महेश शर्मा का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं और यहाँ जो गुर्जर वोट है, जो राजपूत वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, जो दलित वोट है, जो मुस्लिम वोट है, ये तय करेंगे कि आखिर 26 तारीख को किसकी किस्मत पलटेगी और किसकी किस्मत। बिल्कुल, मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, शाम 6 बजे तक धुआंधार प्रचार चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।